Welcome back to my channel Foodie on the Go. I am Kenny. और आज की इस एपिसोड में मैं आपको लेकर आ चुकी हूँ मुंबई की एक आइकॉनिक लोकेशन CSE स्टेशन. मुंबई का एक लैंडमार्क स्टेशन है. इस स्टेशन से हर जगह के लिए ट्रेन जाती है और हर जगह से ट्रेन चल के आती है. वेल, मुंबई के CST स्टेशन की 80 नंबर प्लेटफॉर्म के बाहर एक रेस्टोरेंट खुला है जो 1.5 साल पुराना है. इस रेस्टोरेंट का नाम है बूगी वूगी रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स. एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग हियर इज कि ये जो रेस्टोरेंट है ये 24 घंटे खुला है. मुझ जैसे लोगों के लिए तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है. जो लेट्स होते हैं या हंगरी, वी कैन जस्ट कम हियर एंड एंजॉय द फूड. वेल, ये सब तो हो गया रेस्टोरेंट के बारे में. दिखने में बहुत ही क्यूट है, बहुत ही क्वर्की सा है. पूरा रेस्टोरेंट जो है वो एक ट्रेन की फीलिंग दे रहा है. पर अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इनका खाना कैसा है. तो आइए मेरे साथ अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ये बूगी वूगी रेस्टोरेंट में खाने के लिए क्या क्या है और इनका खाना कैसा है. तो ये जो बूगी वूगी रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स है ये बिल्कुल एक ट्रेन की बूगी की वाइब्स दे रहा है. जस्ट हैव अ लुक, इसका जो डोर है, विंडोज है, बिल्कुल एक ट्रेन की तरह है. बचपन में जैसे हम नानी के घर जाते थे पूरी फैमिली ट्रेन में, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है. मुझे बहुत नॉस्टैल्जिक लग रहा है यहाँ पर आकर. और मैं आसपास देखती हूँ जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो या तो कोई ट्रेन पकड़ रहे हैं या वो ट्रेन से उतरे हैं. ऐसे लोग ज़्यादा मुझे देखने के लिए मिल रहे हैं. तो आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि बूगी वूगी रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स में खाने के लिए क्या क्या है. वेज और नॉन वेज के दोनों ऑप्शन हैं यहाँ पर, वो हम अंदर चल के एक्सप्लोर करेंगे. So one good thing about this restaurant which I found is कि इनका जो मेन्यू है वो काफ़ी elaborate है. When I look at the menu, there are beverages, there's options of dosa, यहाँ पे sandwiches भी है, पाव भाजी, rolls, pizza, Chinese का पूरा option है इनके पास. बिरयानी के साथ साथ यहाँ पे इंडियन डिशेस और बहुत सारे ऑप्शंस डिजर्ट में भी हैं. तो बाहर बहुत गर्मी थी इसके लिए मैंने यहाँ का जो स्पेशल रास्पबेरी मोइटो है वो मंगवाया है. दिस इज हाउ इट लुक्स, इट्स फॉर 210. लेट मी हैव द फर्स्ट सिप एंड टेल यू हाउ इट इज. वाओ, दिस इज नाइस. अब इतने एलैबोरेट मेन्यू की वजह से कोई भी कंफ्यूज होगा तो मैं भी थोड़ी कंफ्यूज थी कि मैं खाने में क्या मंगवाऊँ. पर यहाँ का जो स्टाफ है वो बहुत फ्रेंडली है, बहुत हेल्पफुल है. उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि क्या मंगवाना है. तो वेज में मैंने मंगवाया है ये मशरूम कुंदन जिसका प्राइस है 357. और नॉन वेज में मैंने मंगवाया चिकन आलिशान कबाब जिसका प्राइस है 421. ऑल दीज प्राइजेज आर इंक्लूसिव ऑफ GST एंड टैक्सेस. तो चलिए ट्राई करती हूँ और आपको बताती हूँ कि ये कैसा है. तो पहले मैं अपना वेज ट्राई करने वाली हूँ. मैंने बहुत लोगों को देखा है व्हेन इट कम्स टू मशरूम. कुछ लोग मशरूम खाते हैं, बहुत शौक से खाते हैं, और कुछ लोग मशरूम को हाथ भी नहीं लगाते. तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको मशरूम पसंद है या नहीं. मुझे तो मशरूम बहुत पसंद है. अगर आपको मशरूम पसंद है तो क्या आपने कभी मशरूम ट्राई किया है ऑमलेट में? मशरूम ऑमलेट बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है उसका. फिलहाल ये ट्राई करती हूँ. थोड़ी चटनी डाल देती हूँ साइड में. अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं मेरे चैनल में तो आपको पता होगा कि मुझे चटनियाँ बहुत पसंद है. नो डिशेज कम्प्लीट विदाउट अ प्रॉपर डिप ऑफ चटनी इन इट. फर्स्ट बाइट ऑफ माय मशरूम कुंदन, लेट्स सी हाउ इट इज. तो अब मैं आपको मेरे लिए जो मशरूम कुंदन जो स्टार्टर है इसके अंदर क्या है ये बताने वाली हूँ. हैव अ लुक. मशरूम के अंदर इन्होंने ये कैप्सिकम के पीसेस डाले हुए हैं और बहुत सारी ग्रीन चटनी है. अगर मैं इसको दूसरे वर्ड में कहूँ तो ये पहाड़ी का जो टेस्ट होता है, पहाड़ी चिकन या पहाड़ी टिक्का, वैसा टेस्ट दे रहा है. स्पाइसियर है ये, मुझे पसंद है स्पाइसी तो आई एम लाइकिंग इट. और अंदर से ये बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही जूसी है. गोइंग फॉर अनदर बाइट ऑफ दिस मशरूम कुंदन. तो अगर आप वेजिटेरियन हैं और मशरूम खाते हैं और आपको स्पाइसी खाना पसंद है मेरी तरह, आप ये वाली डिश मंगवा सकते हैं. तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट डिश की तरफ जो है मेरी चिकन वाली स्टार्टर. लेट्स सी हाउ इज दैट. तो बहुत सारा वेज स्टार्टर खाने के बाद अब मैं मेरा जो ये चिकन आलिशान कबाब है ये ट्राई करने जा रही हूँ. आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि दिखने में कैसा है. तो इस चिकन आलिशान कबाब में जो मुझे लग रहा है इन्होंने ऊपर से एग की जो टॉपिंग है वो की है. हैव अ लुक, ये एग है इसके ऊपर और नीचे ये चिकन आलिशान कबाब है. साथ में इन्होंने ये चटनी दी है ग्रीन कलर की और थोड़ा सा कचुंबर. तो मैं फर्स्ट बाइट अपनी प्लेट में लेती हूँ, टेस्ट करती हूँ और आपको बताती हूँ उसका टेस्ट कैसा है. थोड़ा सा एग भी डाल देती हूँ ऊपर बिकॉज दैट्स हाउ इट्स सपोज्ड टू बी.
चिकन आलीशान कबाब को अंदर से देखते हैं ये कैसा है. इट्स लाइक अ नाइस चिकन टिक्का जो बहुत ही जूसी लग रहा है, अंदर से सॉफ्ट ही लग रहा है. थोड़े एग के पीसेस हैं और चिकन है. लेट मी सी द फर्स्ट बाइट एंड टेल यू हाउ इट इज. लेट्स हैव अ लुक हाउ इज दिस. बहुत ही टेस्टी है ये. अंदर से बहुत ज़्यादा जूसी है. एग का जो टेस्ट है बहुत ही अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है. मैं एक और बाइट खाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत पसंद आया. ना ये बहुत ज़्यादा ड्राई है, ना ही ऑयली है, जस्ट परफेक्ट. तो आई थिंक इनका जो ये चिकन आलीशान कबाब है ये इनके रेस्टोरेंट की तरह बहुत ही यूनिक है. ये जो एग इन्होंने ऊपर से लगाया है ये इस डिश को बहुत ही यूनिक बना रहा है और उसी के साथ साथ इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी यूनिक है. अब ये दोनों स्टार्टर्स खाने के बाद मैं डिगिंग करने वाली हूँ उनके मेन कोर्स सेक्शन में और मेरे मेन कोर्स में भी इनकी जो स्पेशलिटी है वो मंगवाई है. तो आइए जल्दी से मैं आपको दिखाती हूँ कि इनके मेन कोर्स में क्या क्या है. तो अब मेन कोर्स में मैंने वेज में इनकी एक स्पेशल डिश मंगवाई है जो है वेज पटियाला. इसका प्राइस है 347 विद GST. और ये जो डिश है ये बहुत यूनिक है. ये आप अगर देख सकते हैं यहाँ पे कैमरे से, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको दिखाने की. ये जो है ये अंदर इसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं और उसको उन्होंने मैश करके जो पापड़ होता है उससे रोल करके डीप फ्राई किया है और एक सेमी मिक्स जो ग्रेवी होती है उसमें बनाया है. बहुत ही यूनिक डिश है. मैंने आज तक कभी ये डिश के बारे में ना ही सुना है ना ही देखा है और बहुत एक्साइटेड हूँ मैं इसे ट्राई करने के लिए. सो टेकिंग इन, टेकिंग द फर्स्ट बाइट ऑफ दिस वेज पटियाला. मैं ये वेज पटियाला ट्राई करने वाली हूँ इस गर्मा गर्म बटर गार्लिक नान के साथ. Have a look. First bite of this. Let's see how is this. Wow. ये जो वेज पटियाला है बहुत ही रिच लग रहा है मुझे. जो शाही डिश होती है ना बिल्कुल वैसा लग रहा है. आप देख सकते हैं इसका जो ग्रेवी है वो बहुत थिक है और बहुत तीखा नहीं है. जो दो स्टार्टर्स मंगवाए थे वो स्पाइसी थे. मुझे स्पाइसी बहुत पसंद है तो मैंने वो एंजॉय किया. ये ऐसे बहुत स्पाइसी नहीं है, मीडियम स्पाइसी है. और इसकी जो ग्रेवी है और ये अंदर जो उन्होंने बनाया है पापड़ का, ये बहुत ही टेस्टी है. मेरे ख्याल से 347 रुपीज़ में इट्स वैल्यू फॉर मनी और दो जन आराम से इसे खा सकते हैं. Another bite of it. मॉकटेल ट्राई कर लिया, वेज स्टार्टर खा लिया, नॉन वेज स्टार्टर खा लिया, वेज ग्रेवी और रोटी खा ली, आई मीन नान खा लिया, बटर गार्लिक नान. अब बारी आ रही है कुछ राइस की और राइस है मैंने मंगवाया है ये चिकन अंगारा बिरयानी जिसका प्राइस है 357 विद टैक्सेस. तो आइए जल्दी से ट्राई करती हूँ और आपको बताती हूँ कि कैसा है, ये वर्थ इट है या नहीं. किसी भी चिकन बिरयानी या फिर वेज बिरयानी भी क्यों ना हो उसका पता चलता है उसके ग्रेन्स से. ये भी देख सकते हैं आप बड़े बड़े ग्रेन्स हैं. अगर आप इस चिकन बिरयानी को गौर से देखेंगे बाहर बहुत बड़े बड़े ग्रेन्स हैं जो वाइट येलो ऑरेंज कलर में है. नीचे आप देखिए इनका बहुत सारा कुछ मसाला है और ऊपर ये चिकन टिक्का है विद लॉट्स ऑफ फ्राइड अनियंस. फर्स्ट बाइट ऑफ माय चिकन अंगारा बिरयानी एट बूगी बूगी रेस्टोरेंट ऑन वील्स. लेट्स सी हाउ इज दिस. सारे मसाले का टेस्ट आ रहा है. चिकन टिक्का एंड अनियंस इज जस्ट मेकिंग इट अ परफेक्ट डिश. आई एम गोइंग टू एंजॉय ईटिंग दिस. तब तक अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इफ यू एंजॉय माय वीडियो डू हिट द लाइक बटन एज़ वेल.